जो कि एक गाने का फाइनेंस हेड था, ये जानकारी लोगों के सामने रखी। कल से कहा जा रहा है कि मैं किसी के बीवी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि महिलाओं तक ये पहुँच रहे हैं। पिछले लगभग 26 दिन में दो महिलाओं के अलावा मैंने किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। दोनों महिलाओं का उल्लेख इसलिए आया कि उनसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका उल्लेख आया है। लेकिन जो लोग महिलाओं को लेके सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या दूसरों की माँ बहनें ये महिलाएं नहीं हैं? कल किरीट सुमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा की माँ का उल्लेख किया, उनकी बहनों का उल्लेख किया। इससे पहले संजय राउत जी की बीवी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। खड़से साहब की पत्नी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। किरीट सुमैया महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी को बार बार उनका नाम लेकर आरोप करते रहे। क्या इनकी घर की महिलाएं महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं महिलाएं नहीं? हमें लगता है कि अस्तर जो बीजेपी गिरा रही है, हमने कोई अस्तर नहीं गिराया, ये सीधे लोगों को समझना होगा। कल मैंने जो भी आरोप लगाए, कोई आरोप हमने हवा में किसी पे नहीं लगाया। ड्रग पेडलर गाने का ये फाइनेंस हेड है, ये सवाल हमने खड़े किए थे। और कल देवेंद्र जी ने, जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता है, उन्होंने कुछ मुझ पर आरोप लगाए और उन्होंने एक बात कही कि मैं आरोप लगाने के बाद कभी माफ़ी नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े है, पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, उसका पंचनामा है और मैं मीडिया के साथियों को पंचनामा साझा कर दूंगा। लेकिन वानखेड़े के कहने से 14 जनवरी के दिन जब मेरे दामाद के घर पे छापा मारी कथित कही गई, तब मीडिया बड़े जोर और शोर से रिपोर्टिंग कर रहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर पे छापे मारी है और बड़े पैमाने पे ड्रग मिला। हमें लगता है मीडिया के साथियों को भी गुमराह किया गया। और मैं पंचनामा दे देता हूँ कि किसी भी प्रकार की रिकवरी हमारे दामाद के घर से नहीं हुई। क्या देवेंद्र जी आप माफ़ी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि चार्जशीट को कमज़ोर करने के लिए नवाब मलिक वानखेड़े पर हमला कर रहा है। आप वकील हैं, वकालत की सनद आपके पास है, आपकी जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं। NDPS एक्ट में 6 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमज़ोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूँ, क्या इसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि नवाब मलिक को इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया था, उस पर सावंत कमीशन बैठा था।
कमीशन की रिपोर्ट आई, विधानसभा में चर्चा हुई और उस विधानसभा की चर्चा में मैंने कहा कि एक बार नहीं 100 बार मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अगर जनता के हित में कोई इस्तीफा देना पड़े तो। मुझ पे आरोप लगाए गए कि माहिम स्थित जरीवाला चाल में भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशन बैठाया गया, लोक आयुक्त की जांच बैठाई गई। मुझ पे आरोप ये लगाया गया कि नवाब मलिक ने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, कंटेम किया है, कोर्ट के आदेश का अवहेलना की है, कोई पैसे खाने का या कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे, डिफाइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर के चार्जेस थे। जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो गलत तरीके से था, हमने स्टे दिया था और ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का अवमान नवाब मलिक ने किया है। उसी कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी कोर्ट के सामने रखा जाता है या उससे ऊपर की कोर्ट में। किसी कमीशन को, लोक आयुक्त को ये अधिकार नहीं कि कंटेम्प्ट पर वो किसी पे आरोप मढ़े, फिर भी हमने कमीशन को झेला, कमीशन के सामने चीज़ें रखी और उसमें आचरण को लेके हर दिन लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के लिए काम करना, ये आचरण जो है ये करप्ट है, इस तरह के चार्जेस लगे। लेकिन डिफाइंग कोर्ट ऑर्डर का ही हम पे मामला उठाया गया, हमने इस्तीफा दिया, रिपोर्ट आई और 2008 में दोबारा मंत्री हम बने। लेकिन जो जरीवाला चाल में 12 वर्सेस 250 लोगों की लड़ाई थी, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक ने या उस समय के मंत्री ने जो आदेश दिए थे वो सही है, उस आदेश का पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। लेकिन देवेंद्र जी से सीधा मेरा सवाल है, क्या 5 साल तक राज्य के मुखिया थे, गृह विभाग आपके पास था और शायद पूरा महाराष्ट्र जानता है, सबसे मुखर कोई देवेंद्र जी के कामकाज पे या पिछली सरकार पे सवाल उठाता था उसका नाम नवाब मलिक है। और देवेंद्र जी आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में, आपको चेताया था मैंने, आपका भाई इस शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी, आप जब चेंबूर वाले के घर पे जाते थे हमने आपको चेताया था एक बार कि यहाँ मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। अगर उस समय उस होटल के फुटेज अगर मैं जारी कर देता तो शायद लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध है, अगर इतने हमले करने के बाद भी आप खामोश रहे, हमें लगता है कि एक राज्य का मुखिया अगर उसको जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति नेता किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसी समय कार्रवाई करते और मुझ पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमें लगता है कि जो सच्चाई सामने आ रही है उसको लेकर
कोई हवा में तीर मार देने से मामला बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में इस शहर में मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग होती है कि शहर में पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, शहर में क्या क्या चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, फोर सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स प्रिडन मैक इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? क्या आपको जानकारी नहीं थी? और आपके रहते हुए पार्टी चल रही थी, सरकार बदलने के बाद पार्टी बंद हो गई। इस पे आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि ये पार्टी का आयोजक कौन? क्या आपकी जानकारी नहीं थी कि 15 करोड़ रुपए की पार्टी चल रही है? क्या आपका पुलिस या तंत्र ये पूरी तरह से कमज़ोर था? ये सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये कहना कि वानखेड़े पर दबाव मैं इसलिए बना रहा हूँ कि दामाद का केस हल्का हो जाए, 8.5 महीने तक उस मामले पे कभी मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं किया। लगातार आप लोग बोलते रहे कि इनका दामाद ड्रग के केस में बंद है, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। पिछले महीने की 13 तारीख को वो ऑर्डर सामने आई, उसे फंसाया गया, ये साफ है। न्यायालय में लड़ाई चल रही है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो जानकारी मुझे है कि वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेचर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, नीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। तो प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है, छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। और मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए 1000 करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था, सैम डिसूजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसूजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसूजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया, और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? कैसे 13 लोगों की तस्वीरें चिन्हित करने के लिए सभी को बांटी गई थी? किस तरह से डीजी एनसीबी कह रहे थे 3 तारीख के रात में कि देश के इतिहास में पहली बार मिड समंदर में एक कार्रवाई हुई है। दावा किया जा रहा था कि 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी। पूरा फर्जीवाड़ा ये जो है ये वानखेड़े रच रहा था। हमने पहले दिन से गोसावी पे सवाल खड़े किए, भानुशाली पे सवाल खड़े किए,
हमने फ्लेचर पटेल पे सवाल खड़ा किया, हमने तीन लोगों को क्यों छोड़ा ये सवाल खड़ा किया, लेकिन हर बार सत्यमेव जयते कर कर भागने लगे। ये फर्जीवाड़े का खेल ये छोटा मोटा नहीं, 15 ऑफ 2020 एक केस समीर वानखेड़े के आने के बाद एनसीबी ने दर्ज किया है। उसी केस में सारा अली खान को हाजिर कराया गया, उसी केस में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, उसी केस में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री को 15 ऑफ 2020 की केस में बुलाया गया। आज तक ना वो केस बंद हो रहा है, ना चार्जशीट हो रही है। ऐसा क्या है कि 14 महीने तक कोई केस बंद ही नहीं होता है? इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए, और हमने कहा कि उगाही मालदीव में हुई है। दो तस्वीरें हमने डाली, एक दुबई की, एक मालदीव की, ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया, बहन दुबई गई थी। आप मालदीव में थे, मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता, इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम के, इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं, किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून 1,00,000 रुपये की, पट्टा 2,00,000 रुपये का, जूता 2,50,000 रुपये का, घड़ी 50,00,000 रुपये की, 25,00,000 रुपये की, 30,00,000 रुपये की। एक अपराइट अफसर, मैं सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा, अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपये की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2,00,000 के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 1,00,000 रुपये की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है, ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूँ कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है, जांच होनी चाहिए, कड़ियाँ जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि बोलने से रोका जाए, सवाल उठाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक बोल रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने अपने भाषण में कहा, एक सेमिनार में, कि राइट टू डिसन, राइट टू क्रिटिसाइज, ये फंडामेंटल राइट है। अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा, डिसन नहीं रहेगा, तो राज्य पुलिसिया स्टेट बन जाएगा। पुलिसिया स्टेट इन्होंने बनाया, 2 ग्राम 5 ग्राम के केसेस बनाए, 26 मामले हमने रखे हैं जिसमें अपने पास से रख कर लोगों को फ्रेम किया गया। एनसीबी का जो काम था कि आज तक कोई तुमने पकड़ा तो कहां से ये आया, इस तक आप क्यों नहीं पहुंचे? आज तक क्यों नहीं आपने लोगों को, बड़े लोगों को पकड़ने का काम किया? आज साथियों, मैं और एक जानकारी दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के जेएनपीटी पोर्ट पर 3 कंटेनर 51 टन पॉप सीड, जो पोस्ता होता है, अफीम का बीज होता है, वो 15 दिनों से पोर्ट पर है। हम जवाब चाहते हैं DRI से कि 15 दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया, क्यों NDPS का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ?
भयंकर खेल इस देश में चल रहा है। चाहे मुंदड़ा पोर्ट पे ड्रग पकड़ी जाए, एनआईए के बाद जांच चली जाए, धंधे बस्ते में चली जाए, पिछले 10-12 दिन पहले एक केस आया था ड्रग का, वो भी 8 दिन के बाद उजागर हुआ। आज 51 टन पॉप सीड वहाँ पड़ी है, उसके लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, केस दर्ज नहीं हो रहा है। पूरा खेल ड्रग का कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं चलता, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से देश को उलझाया जा रहा है। ड्रग पूरी तरह से ख़त्म हो, हम साथ में लोगों के हैं, लेकिन अगर राजनीतिक संरक्षण में ड्रग का धंधा चलेगा, जिनको ड्रग रोकने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी वही ड्रग का धंधा करवाएंगे, प्राइवेट आर्मी बना के उगाही करेंगे, ड्रग बेचने के लिए लोगों को खुला छोड़ेंगे, तो हमें लगता है लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी एक घटनाक्रम और हुआ है, अनिल देशमुख जी कल गए, जब सारे लीगल मींस जो भी थे उनके पास उन्होंने आजमाया और स्वयं हाजिर हुए, उन्हें भी फंसाया गया, उन्हें भी जो आरोप लगाने वाला था परमवीर सिंह वो फरार है, और जिस पे आरोप लगाया गया, जो जांच को सहयोग करने के लिए हाजिर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सारी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, सरकार को बदनाम करने के लिए है, नेताओं को डराने के लिए है। हम ये साफ कह देते हैं कि फिर ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बारी अनिल परब जी की है। ये नेताओं को डराना और सत्ता के दुरुपयोग का काम बंद हो। ठीक है, अनिल देशमुख जी को आपने गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम करेगा, फर्जीवाड़े से लोगों को फंसाओगे, आज नहीं कल चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन परमवीर सिंह कहाँ है, इसकी जवाबदेही ये केंद्र सरकार की है। महाराष्ट्र से वो पंजाब चले गए, चंडीगढ़ चले गए, उसके बाद लौटे नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि वे विदेश में, तो भागने के 3 ही रास्ते हैं। लुकआउट नोटिस के बावजूद कोई व्यक्ति देश छोड़ के या तो हवाई जहाज से जा सकता है, या रोड के रास्ते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से नेपाल वाया अगर वो गए हैं, तो तीनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्या अन्य लोगों की तरह भी परमवीर सिंह को भगाया गया, उनके जरिए झूठे आरोप लगा के सरकार को बदनाम करने का काम किया गया? इसका भी जवाब लोगों को, बीजेपी को देना होगा। मैं आज फिर एक आपको व्हाट्सएप चैट आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब लेडीज डॉन का उल्लेख किया तो कहा गया कि हमारा भाई एक ईमानदार अफसर है, हम उसके कामकाज में ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट अभी शेयर करता हूँ जिसमें एडवोकेट जैस्मिन वानखेड़े, एक जो ड्रग के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई होगी उस केस से रिलेटेड, वो व्यक्ति जैस्मिन वानखेड़े को मैडम एड्रेस भेजो करके कह रहा है। जैस्मिन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड, लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही है। दूसरा स्क्रीनशॉट में वो उससे बात कर रही है कि क्या चल रहा है, पिटाई हो रही होगी। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्राइवेट आर्मी का खेल था, उगाही के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे, और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूँ, निश्चित रूप से महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस जांच कर रही है, वानखेड़े भाग रहे हैं कि मुकदमा मामला CBI को दे दो, NAI को दे दो,
वानखेड़े भाग रहे हैं कि नवाब मलिक को बोलने पे रोक लगाई जाए, वानखेड़े पीआईएल फाइल करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि नवाब मलिक को रोका जाए, जांच मुंबई पुलिस से हटाई जाए। सत्यमेव जयते कहने वालों को चाहिए कि सांच को आँच क्या, जांच होने दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि इन्हें गिरफ्तार करना होगा तो 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। वसूली गैंग का पर्दाफाश हो रहा है और जिस दिन वानखेड़े पे कार्रवाई होगी हमें लगता है कि लोग खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं अपील करता हूं जिन लोगों के साथ उगाही हुई है वो खुलकर आएं, बताएं। अगर डर में जियोगे तो ये पुलिसिया राज देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर देगा। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं। सर, तुम्ही 51 टन माल पडून असल्याचं जेएनपीटीवर म्हटलेलं आहे, त्या संदर्भात कोणती कंपनी आहे, कुठून माल आला याबाबत? नाही, याच्या सगळ्या कागदपत्र माझ्याकडे थोड्या वेळेत येणार आहे, मी आपल्याला व्हॉट्सअपवर सगळं शेअर करतो। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें कही, एक एक चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से रचा। पहला तो आपने केस नंबर 15-20 का कहा, इसमें अभिनेत्रियों को बुलाया गया, किस आधार पे कह रहे सर, उसमें क्या क्या हुआ, अगर थोड़ा और विस्तार से बता पाए आप। देखिए, ऐसा है, कोई भी मामला आपने दर्ज किया है केस, तो उसका इन्वेस्टिगेशन 13-14 महीने तक क्यों नहीं कम्प्लीट हो रहा है? उसी केस में आपने फिल्म जगत के लोगों को बुलाया ये कह के कि व्हाट्सएप चैट में मिला है, और आज तक उस केस में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी केस की आड़ में उगाही का धंधा है, क्लोज़र या तो कर देते या चार्जशीट लगा देते, लेकिन 14 महीने तक एक मामला खुला हुआ है जिसमें फिल्म वालों को लगातार सम्मन किया जाता है, उगाही की जाती है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सर, आर्थिक की बात है कि हज़ारों करोड़ उगाही, उसको लिए कुछ सबूत मिल पाए आपको? क्योंकि देखिए, ऐसा है कि अभी तो 18 करोड़ की डील वाला मामला खुल रहा है, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था, ये बात सामने आ रही है। अगर डील हो रही थी आर्यन को लेके 18 करोड़ की, तो सारे अभिनेता अभिनेत्रियों से डील हुई है, डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। मालदीव में भी उगाही हुई, घर के लोग भी उगाही के धंधे में थे, प्राइवेट आर्मी के सारे लोग उगाही के धंधे में थे। हमें लगता है अभी एक उगाही का मामला जो खुला है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, कड़ियां खुलेंगी। जो सैम डिसूजा आया था वो भी उनका आदमी था, उसमें एक घूले का उसने नाम लिया है जो बैंकर है, एक और कोई सुनील पाटिल का नाम सामने आया है, मेरी जानकारी है कोई वाघमारे नाम का भी व्यक्ति उसमें है। हमें लगता है कड़ियों से कड़ियां जुड़ेंगी तो 18 करोड़ की उगाही का मामला इस्टेब्लिश हो रहा है। मुंबई पुलिस अभी चीज़ों को देख रही है, जब पूरी तरह से चीज़ें हो जाएगी हम किसी को फर्जी तरीके से बताते नहीं। मुंबई पुलिस चीज़ों को देख रही है, जब पूरा मामला इस्टेब्लिश हो जाएगा तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, साल 2020 में जो बॉलीवुड वालों से पूछताछ हुई थी, दो अलग अलग केसेस में हुई थी, FIR नंबर 15 ऑफ 2020 और 16 ऑफ 2020। एक केस दिल्ली की टीम देख रही थी और एक केस मुंबई की टीम देख रही थी, तो क्या दिल्ली की टीम ने भी जिन लोगों को बुलाया था, क्योंकि दीपिका पादुकोण उसमें थी, क्या उनसे भी उगाही हुई है? दिल्ली टीम की इंक्वायरी वाले केस की भी उगाही? डिपार्टमेंट एक है, दिल्ली का हो मुंबई का हो मुझे पता नहीं, NCB है, और एक VV सिंह नाम का कैरेक्टर सबसे महान है इस NCB में। मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब मेरे दामाद को बुलाया गया तो VV सिंह ने कहा कि आई वॉन्ट टू बाय लैंड क्रूज़र। अगर मेरे दामाद से लैंड क्रूज़र की बात करते हैं तो क्या खेल चल रहा था, खुलेगा। और मैं सारी चीज़ों को, ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके एक एक सबूत हम रखेंगे। अभी तो उगाही का धंधा हो रहा था, ये इस्टेब्लिश हो रहा है, पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। हमें लगता है एक बार वानखेड़े गिरफ्त में आ गया तो लोग खुलकर सामने आएंगे, और VV सिंह जिसे इसके पहले करप्ट है करके साइड में रखा गया था, वानखेड़े ने फिर इस खेल में उतारा है। कहीं ना कहीं पूरा रचा रचाया उगाही का धंधा है जो
ये सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, केपी गोसावी, साली, सैम डिसूजा, और सबसे बड़ा उसके अंदर जो गवाह होगा, जिस गाड़ी का जिक्र किया गया है, ये सारे खेल के बाहर का वो आदमी है। वो ड्राइवर इस गाड़ी में सुन रहा होगा, लोकेशन को कंफर्म कर सकता है। हमें लगता है पुलिस अपना काम करे, और पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुआ है कि उगाही का 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख एडवांस उठाया गया और 8 करोड़ की हिस्सेदारी वानखेड़े की थी। सर, आपने करोड़ों रुपए और लाखों रुपए के कपड़े पहनते वानखेड़े, वानखेड़े लाखों रुपए के कपड़े पहनते, कभी कपड़े रिपीट नहीं करते, किस आधार पर ये कह रहे हैं सर? आप कुछ प्रूफ सबूत आप उनकी सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लू विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है, टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। पारते पाते नाम की कोई घड़ी है, मुझे पता नहीं, घड़ियाँ रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए, हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है, तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ, ये सवाल हम पूछते हैं। सर, मगाशी सर तुम्ही समीर वानखेडे पर्यंतच होतात, आता तुम्ही एनसीबीच्या सगळ्याच लोकांना त्याच्यामध्ये, तुमचं म्हणणं आहे का की आता एनसीबीचे सगळेच लोक याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहे? कालपर्यंत तुम्ही केवळ समीर वानखेडे आणि त्यांची गँग असं तुम्ही म्हणत होतात, आज तुम्ही म्हणताय की एनसीबीचे इतर अधिकारी सुद्धा त्याच्यामध्ये? व्ही व्ही सिंग आहे एनसीबीमध्ये, व्ही व्ही सिंग आणि माने नावाचा त्यांचा ड्रायव्हर, हे प्रायव्हेट आर्मीसोबत हे दोन अधिकारी जास्त इन्वॉल्व आहे, मी आज पुन्हा हे दावेने सांगतोय। अनिल देशमुख साहेब ज्यांच्यावर पॉलिटिकल मोटिवेशननी परमवीर सिंग ज्यांनी वाजेंना रिइन्स्टेट केला होता, त्यांच्या माध्यमातून या शहरामध्ये दहशत निर्माण करून खंडणी गोळा करत होते, हे गोष्ट समोर आल्यानंतर अनिल देशमुख साहेबांनी आणि माननीय मुख्यमंत्रींनी परमवीर सिंग यांना त्या पदातून होमगार्डकडे ट्रान्सफर केल्यानंतर परमवीर सिंगने 100 कोटी चा टार्गेट देण्यात आला होता असा आरोप केला। तदनंतर के सीबीआयकडे गेले, सीबीआयने याचा तपास सुरू केला आणि एक राजकीय कट कारस्थान करून या सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाली। ते न्यायालयामध्ये दाद मागत होते, वारंवार ईडीच्या संमन आल्यानंतर त्यांना उत्तर देत होते की मी कोर्टाकडे दाद मागितलेली आहे, त्यानंतर मी तुमच्याकडे येणार आहे। ते स्वतः काल गेले। 4.5 कोटी रुपये त्यांनी वाजेंनी जे सांगितलं आहे त्याच्या आधारावर त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले, पण ज्यांनी हा आरोप लावला तोच फरारी आहे, तोच समोर येत नाही। बातमी येत आहे की ते बेल्जियममध्ये कुठेतरी आहे, लुकआउट नोटीस असताना ते बाहेर पडून कसे गेले, त्यांना सेफ पॅसेज देण्यात आला काय? तीनच मार्ग त्यांना होऊ शकते, एक तरी समुद्रमार्गाने ते गेले असतील, मग ते पण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहे, हवाई मार्गाने गेले असतील ते पण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहे, किंवा रोड मार्गाने नेपाळच्या माध्यमातून ते पडून गेले असा सांगण्यात येत आहे। ते मार्ग बिहार असतील, यूपी असतील, उत्तराखंड असतील, तिन्ही ठिकाणी भाजपचं सरकार आहे, याच्या उत्तर ते कसे पडून गेले हे जबाबदारी भारतीय जनता पक्षाची आहे। राजकीय सूडबुद्धीने लोकांवर बोगस केसेस निर्माण करताय, लोकांवर दडपण करणे, दबाव निर्माण करणे, जे बंगालमध्ये उद्योग होता तोच उद्योग महाराष्ट्रामध्ये आहे। देवेंद्रजी सांगताय की अर्धा मंत्रिमंडल हे तुरुंगात जाणार आहे, केंद्रीय यंत्रणा तो सीबीआय असेल, इन्कम टॅक्स असेल,
ईडी असेल, एनसीबी असेल, याचा वापर करून या राज्याला, राज्य सरकारला, महाराष्ट्राच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचा कट कारस्थान आहे, यांना कळलं पाहिजे. आमच्या नेत्यांना पण तुम्ही नोटीस पाठवलं होता. महाराष्ट्राची जनता पवारसाहेबांना नोटीस आल्यानंतर निवडणुकीमध्ये त्याचं उत्तर लोकांनी दिलंच आहे आणि महाराष्ट्राची जनता उघड्या डोळ्यांनी बघते की भाजप या यंत्रणेचा वापर करून लोकांवर दबाव दडपण कसं निर्माण करते आणि निश्चित रूपाने याचा उत्तर जनता देईल. देखिए ऐसा है, बेनामी होगी, कोई अगर है तो उनको अटैच करने का अधिकार है, लेकिन बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं है, कोई ना कोई उसका मालिक होगा. आप ये कह दो कि ये संपत्ति इसकी है, ऐसे नहीं चलता. कोई कारोबारी है, उसकी संपत्ति है, कोई अजीत पवार के ड्राइवर की संपत्ति नहीं, कोई अजीत पवार के नौकर की संपत्ति नहीं, किसी और की संपत्ति आप अटैच करके उस पर ये अजीत पवार की बेनामी संपत्ति है, ये आरोप लगाना उचित नहीं. ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ड्राइवर के नाम पे कोई संपत्ति निकल आई, या ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के किचन के कुक के नाम पे संपत्ति निकल आई. हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है और कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है और उसे हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है. भुजबल साहब को लेके भी इसी तरह से हुआ, महाराज सदन को लेके आरोप लगाए गए और कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ. हमें लगता है डराने का, बदनाम करने का खेल है, हम लोग इस खेल से डरने वाले नहीं हैं. सर, आपके एलिगेशंस के बाद 24 घंटों में अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया. अजित पवार की जो बेनामी प्रॉपर्टीज कही जा रही हैं उसके उस पर अटैचमेंट की बात हो रही है, क्या आपको ये पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है? देखिए, मेरे आरोप के बाद नहीं है, ये सारी कार्रवाई पहले से चल रही है और पहले दिन से हम अपनी बात पे कायम हैं कि जो खेल बंगाल में शुरू हुआ था वही खेल महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की सरकार नेताओं को बदनाम करने का. चुनाव से पहले भी ये खेल था, कुछ लोगों पे दबाव बनाया गया, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, कह रहे हैं कि हमें अब चैन की नींद आती है, और कुछ लोगों पे दबाव बनाया गया, उन्हें मंत्री भी बनाया गया. तो दल बदल कराना, सरकारें गिराना, ये राजनीति खेल सारी एजेंसियों के जरिए किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इस सारे खेल से ये डरने वाली नहीं. ना कोई नेता डरेगा, अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे. सर, आपके पुराने आरोपों पर मुंबई पुलिस की एसआईटी हो या फिर केंद्र की एसीटी हो, वो जांच कर रही है एक्सटॉर्शन के मामले में, लेकिन आज 15-20 का जो आपने मामला उठाया वो बड़ा आरोप है, क्या उसको लेकर भी अलग से जांच करवाई जाएगी मुंबई पुलिस या फिर आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा से जुड़ा हुआ है पूरा मामला. देखिए ऐसा है कि जो भी कंप्लेंट हुई है उसको लेके लोग जांच कर रहे हैं. अब प्रभाकर का बयान सामने आया, सैम डिसोजा का बयान सामने आया, गोसावी ग्रिफ्ट में है, और भी नाम, चाहे वो सुनील पाटिल का हो, वाघमारे का हो, सभी नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं. पुलिस जांच करेगी. जांच करने का मतलब किसी को फंसाना नहीं है. और ये जब बात सामने आ रही है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, जब सारे तार जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी. त्यानंतर तुम्हाला काही उत्तर आतापर्यंत आलं आहे का? न्यायालयाचं तुमचे प्रशिक्षक आहे. नाही बघा, असं आहे, एनसीबीला मी पत्र लिहिलं आहे की याला विनावी पत्र म्हणून दुर्लक्षित करू नका. याच्यात गंभीर विषय समोर आलेले आहे. एका पंचानी सांगितलेलं आहे की नायजेरियन नागरिक यांना बोगस केसमध्ये फसवण्यात आला, ब्लँक पेपरवर सह्या घेण्यात आली. आमचा पुन्हा आग्रह आहे डीजी एनसीबीला की जे पत्र मी पाठवलेलं आहे त्याची सखोल चौकशी केलीच पाहिजे. निश्चित रूपाने जर ते स्वतः काही करत नसतील तर पुढे पावलं लोक टाकतील. सर, आपके खिलाफ एससी कभी होटल की बात की, फोर सीजन होटल की, वहां पर पार्टी चल रही थी, 15 लाख रुपए में टेबल बुक होते थे,
पार्टी करना तो कोई गलत नहीं है, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए 15 लाख का टेबल क्या थोड़ा स्पष्ट कर सकते? नहीं, 15 लाख का टेबल हमने तो कभी जीवन में सुना नहीं। वो पार्टियां लगातार चलती रही, और भी डिटेल उस पार्टी के बारे में हम देंगे। कभी कोई इस शहर में 15 लाख रुपए का कोई टेबल बुक होते हुए पार्टी मैंने नहीं सुनी थी। कहीं ना कहीं इन पार्टियों में ड्रग का खेल चल रहा था। थैंक यू। बघा, असं आहे, एक CCTV जेव्हा हॉटेलमध्ये काही लोक बसून काही उद्योग करत होते, मी जेव्हा देवेंद्रजीचा 1 वर्ष पूर्ण झाला होता त्यावेळी मी प्रश्न उपस्थित केला होता, हा तोत्या फडणवीस कोण आहे? आम्ही त्यांना सावध केला होता की हे योग्य नाही। त्या काळातले CCTV पण माझ्याकडे होते, मी तेव्हा रिलीज केलेला नाही आणि मी पुन्हा ते CCTV रिलीज करणार नाही। समझदार को इशारा काफी है। सर, सर आपके खिलाफ सर SC कमीशन में वो गए हैं, क्या आप भी लीगल कोई जानकारी ले रहे हैं? देखिए, SC कमीशन में वो गए कि मेरा सर्टिफिकेट वैध है। अरुण हल्दर जी पहले दिन बोल रहे थे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, दूसरे दिन उनके घर पे चले गए। हमने कहा कि उनका ये अधिकार नहीं है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जब फर्जी सर्टिफिकेटों की बाढ़ आई थी तो हर ज़िले में स्क्रूटनी कमेटी का गठन हो और उसके तहत एक कौशी जुडिशियल अथॉरिटी निर्माण की गई, और महाराष्ट्र में वो है। हल्दर जी का वो जुरिडिक्शन नहीं था, वो सर्टिफिकेट को वैध डिक्लेयर कर रहे थे, वो भी जिस पे आरोप लग रहा था उसके घर जाके। कल ये गए वहाँ पे, सापला जी पूर्व केंद्रीय मंत्री जो SC कमीशन के चेयरमैन है, उनको कागजात उन्होंने सौंपा है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं महाराष्ट्र की सरकार को भेजूंगा। सर्टिफिकेट फर्जी है या असली है, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्क्रूटनी कमेटी का गठन होता है। महाराष्ट्र के हर ज़िले में उसका गठन है, वही उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी है। वहाँ पर मामला जाएगा और लोग ये प्रमाणित करेंगे कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है। सर, आपके खिलाफ बहुत डेफामेशन के मामले सामने, तो क्या आप कोई कानूनी सलाह ले रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं? देवेंद्र जी ने कहा है कि डेफामेशन के ऊपर, उनके ऊपर इतने मामले हो रहे हैं, मैं कैसे डालूं? डेफामेशन करना लोगों का अधिकार है, डिफेंड करना ये मेरा अधिकार है। लोग पहले कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपये का हम डेफामेशन करेंगे। दो लोगों ने, दरेकर ने और एक व्यक्ति ने दावा किया कि 100 करोड़ का डिफेमेशन होगा, लेकिन आज तक वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि 10 करोड़ रुपए भरने पड़ते हैं। हाँ, क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले लोगों ने नोटिस भेजी है, मुझे किसी भी न्यायालय से किसी भी तरह का संबंध नहीं आया। जब भी आरोप लगे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री पर, CBI ED ने उसकी जाँच शुरू कर, अब कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद बम फोड़ा जाए, क्या आपको चिंता हो रही है कि आपके खिलाफ भी जांच शुरू हो जाए? हम हैं तैयार, मैंने कल कहा है तैयार हम। अरे खाली ये तो ED CBI की धमकी तो कई दिनों से दी जा रही है, लेकिन एक गंभीर विषय फिर मैं बोल दूँ। कल जिस तरह से प्रवीण दरेकर जी ने और चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा कि इसके अंजाम बुरे होंगे, अभी तक तो धमकियाँ राजस्थान से आ रही थी, अब सीधे महाराष्ट्र BJP के अध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेता धमकी दे रहे हैं कि अंजाम बुरे नहीं होंगे। ठीक है, राजनीतिक लड़ाई के अंजाम बुरे होंगे हमें कोई डर नहीं, कोई आप दुरुपयोग करके मुझे जेल में डाल दो उसका मुझे डर नहीं, लेकिन मेरे भाई बहन, पोता पोती, नाती भतीजे, इन सभी लोगों के बारे में लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि 4 साल का बच्चा कहाँ पढ़ता है। अगर ये परिवार के सदस्य को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी चंद्रकांत पाटिल और दरेकर की होगी। थैंक यू। तेव्हा हे होते नवाब मलिक आणि यांनी वेगवेगळ्या विषयांवरती खरं तर स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। पोलीस चौकशीतून सर्व पर्दाफाश होईल असंही त्यांनी म्हटलंय। अजित पवारांवरील कारवाई चुकीची आहे हे देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे। याचबरोबर त्यांनी समीर वानखेडेंवरती पुन्हा टीकास्त्र सोडलंय। नवाब मलिक यांनी आता काही वेळापूर्वी ही पत्रकार परिषद घेतली आणि वेगवेगळ्या विषयांवर
त्यांनी भाष्य केलंय. 15 कोटीच्या पार्टीचं सत्य काय असा देखील सवाल त्यांनी विचारलाय. तेव्हा नवाब मलिक यांनी त्या पत्रकार परिषदेमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवरती भाष्य केलं.